अरे भाई साहब, देहरादून कितनी दूर है? अभी काफी दूर है साहब, सोने दो अभी। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ? हाँ जरूर। शुक्रिया। ए, ये पढ़ो, यहाँ के किसी एक गांव में एक आदमखोर जानवर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मतलब वो 100 से ज्यादा आदमी मार चुका है। क्या बकवास है, ये सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक जानवर जब इंसान का खून चक लेता है ना, तो उसके बाद उसको मारना नामुमकिन सा हो जाता है। ये कोई शेर होगा ना? नहीं, इस इलाके में शेर नहीं है। तो फिर गांव वालों का ये मानना है कि ये कोई खूनखार भेड़िया। भेड़िया? नहीं नहीं, एक भेड़िया इतने आदमी कैसे मार सकता है? और फिर भेड़िया तो कुत्ते जैसा होता है। और भेड़िया और कुत्ते में सिर्फ फर्क ये होता है कि भेड़िया अपनी पूंछ नहीं हिलाता है। बस भेड़िए के बारे में इतना ही जानते हो ना, जब उसकी अंगारों भरी आंखों का सामना करना पड़े तब तुम्हें पता चल जाएगा कि भेड़िया क्या चीज है। वो जब किसी पर हमला करता है तो इतनी खामोशी से कि पता नहीं चलता, जब पता चल जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। जो भेड़िया इतना अल्लाह पर फोन कर सकता है वो किसी खूनखार शेर से भी खतरनाक होगा। वाओ, काश उस भेड़िए की एक झलक मिल जाए यार। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? ये तो कुत्ते से इतना डरता है, भेड़िया दिख गया तो वैसे ही मर जाएगा। रॉय। ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब जरा बस रोको। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कोटद्वार है। अच्छा, कोटद्वार, ये नाम तो मैंने सुना हुआ है। अरे, ये तो वही गांव है जिसमें भेड़ी का आतंक है। ए, प्लीज डरा मत। हाँ, मुझे रणधीर सिंह सहवाग, आप ही है सर? कोई शक नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ। अरे, ये तो मशहूर शिकारी है, मैं इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अरे तो क्या, जरूर ये आदमी उस भेड़ी को मारने आया होगा। इमेजिन, एक मशहूर शिकारी एक खूंखार भेड़ी को मारने आता है, दोनों में आपस में टक्कर। वाओ, काश हम लोग भी ये देख सकते यार। अरे क्यों नहीं देख सकते, हम यही उतर जाते ना। नो 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 प्लीज, हम लोग सिर्फ देहरादून जा रहे हैं बस, और कहीं नहीं। अरे क्या अनु, देहरादून भी हम एडवेंचर के लिए जा रहे हैं ना, और इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है। चलो चलो। हाँ निधि, चलो। That's it. Majority wins. हम लोग उतर रहे। अरे देवांग, रोहित, शाम होने को है, अभी हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अरे लोग कहाँ चले गए? यही है करतार सिंह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते, नमस्ते। सुना कि तुमने भालू को मारा है इसी लकड़ी से? आर पार कर दिया था साहब, बहुत आतंक फैला रखा था उसने। तो इस भेड़िए को क्यों नहीं मार पा रहे हो? मेरे तो पास भी नहीं फटकता साहब, और जिस दिन टिक गया छोड़ूंगा नहीं। बंदूक कभी चलाई है? बंदूक चला कर तो बच्चा भी शिकारी बनता है साहब, असली शिकारी तो पहले खुद शिकार बनता है। बहुत खूब करतार सिंह, बहुत खूब, बहादुर हो। ये भेड़िया तो कब जिंदा है, हम दोनों साथ में तो। कर अपनी लकड़ी लेके आना। ए, देखो देखो, वहां पे बैठा है। हाँ चलो चलो भाई साहब। क्या चाहिए भाई साहब?
पास के गांव में कोई जगह मिलेगी ठहरने के लिए? नहीं है। क्या कोई तो जगह होगी जहाँ पर टूरिस्ट लोग ठहरते हैं? एक सर्किट हाउस है। भाई साहब, आप हमें उस सर्किट हाउस का रास्ता बता सकते हैं? हम लोग मुंबई से आए हैं और हम लोग देहरादून जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यहाँ उतर गए भेड़िया देखने के लिए। भेड़िया देखोगे? भाई साहब, क्या आपने कभी उस भेड़िए को देखा है? आपको डर नहीं लगता? भाई साहब, आप हमें उस सर्किट हाउस का रास्ता बता सकते हैं? थैंक यू। रोहित, कैसा अजीब आदमी था ना वो? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, यहाँ के इंसान इतने खतरनाक दिख रहे हैं, यहाँ के जानवर कितने खतरनाक होंगे। हेलो, कोई है? कोई है जी? क्या बात है, कौन है आप लोग? जी हम मुंबई से घूमने के लिए आए हैं, रहने के लिए जगह मिलेगी? लेकिन एक साहब तो यहाँ पहले से रह रहे हैं। वो जो भेड़िए को मारने आए हुए ना, राइट? आप जानते हैं उन्हें? जी नहीं, देखिए हमें बस एक रात के लिए जगह दे दीजिए, कल हम लोग देहरादून चले जाएंगे। जगह तो मिल जाएगी, लेकिन एक रात के लिए नहीं, दो रातों के लिए, क्योंकि बस तो अब परसों ही जाएगी ना। नो। ओह यस। आइए आइए, बहुत कमरे हैं, आइए। तुम लोग यहाँ कैसे? हाँ, आप रणधीर सिंह सेवाल जी है ना, हमने आपको पहचाना तो आपसे मिलने चले आए, ताकि हम आपको भेड़िए को मारते हुए देख सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर होगा। ये सब तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या? हाँ? माधव, आप इन्हें अभी इसी वक्त बस स्टॉप तक पहुंचा दीजिए, समझे? लेकिन साहब, बस तो दो दिन के बाद आएगी, यहाँ पर बस हफ्ते में सिर्फ तीन दिन आती है, सोम बुध और शुक्र। ठीक है, मजबूरी है, लेकिन लड़कों के लिए अलग कमरा, लड़कियों के लिए अलग, समझे? जी साहब, आइए। आप मेरे साथ आइए, घबराओ मत, यहाँ के इंसान नहीं जानवर खतरनाक है, आइए। रोहित, ये घर 100 साल तो पुराना होगा। हाँ, और अरे आप लोग यहाँ पर हैं, अपने कमरे में आराम क्यों नहीं करते? जब खाना तैयार होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। अच्छा सुनिए, आपका नाम क्या है? माधव। माधव जी, नॉनवेज में क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? जी मैं मांसाहारी नहीं बनाता, हमारे यहाँ सिर्फ शाकाहारी बनता, लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा। क्या मुसीबत है यार, एक तरफ ये भेड़िया है जिसने आधा गांव खा लिया है, और एक हम लोग को गांव की एक मुर्गी भी नसीब नहीं। साहब कुछ चाहिए? मतलब जी, भेड़िए का शिकार करने के बाद जरा जश्न मनाऊंगा। आप क्या पका रहे हैं? जी मैं भिंडी बना रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। आप और आपकी भिंडी, ये बच्चों को खिलाइए, उन्हें पसंद जरूर आएगी। हाँ जैसा आप कहें साहब। सर, हम भी आपके संग शिकार में चलेंगे। शिकार पर चलेंगे? हाँ। हाँ? चप्पल पहन के? जूते, 2 मिनट में जूते पहन के आते हैं, ठीक है? ओके, चल चल। इन बच्चों को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिकार पे जाएंगे।
तो बंद है। वही कहूं कि इतनी जल्दी ये लोग हमें ले जाने के लिए तैयार कैसे हो गए? दरवाजा खोलो। नहीं यार, खोल दो इसे, तोड़ दे यार। क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलिए ना प्लीज। दरवाजा नहीं खुलेगा, साहब ने मना किया है। तुम लोगों की हिफाजत मेरा जिम्मा। आप अपनी हिफाजत कीजिए, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। तुम जंगल का कानून नहीं जानते हो बाबू? जानवर निहत्तों पे ही हमला करते हैं, वो न सेहत देखते हैं और न समय। ये देखो और ये देखो और ये देखो ताजा। संभल के रहना बाबू। अरे सुनो, अरे ये तो आदमी सुनते नहीं यार। अरे क्या ये आवाज कैसी आई? अरे भेड़िया रो रहा था, कहाँ है? ये मजाक अच्छी नहीं बाबू। अरे करतार सिंह जी, खोल दीजिए ना, खोल दीजिए ना। अरे करतार सिंह जी सुनिए तो सही। अरे तूने फिर से इंसानों की भाषा बोलनी शुरू करनी है, फिर चला गया। वैसे ये बोली तूने सीखी कहाँ? जियोलॉजिकल चैनल से। देवम क्या है, क्या हुआ? देवम वो जाने में कुछ है। अब नहीं मिला तुझे? देवांग नहीं, सच्ची मां कसम वो झाड़ियों में कुछ है। करतार सिंह बस नहीं कर रहा। करतार सिंह भेड़िया उधर खा। मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं, समझे? भेड़िया की कहानी बहुत सुनी मैंने बचपन में। और हाँ, आखिरी बार कह देता हूँ, अब की आवाज निकाली तो मैं आने वाला नहीं, समझे? दरवाजा खोलो जल्दी। तुम लोग ठीक हो ना? साहब क्या हुआ? साहब क्या बात है? कमाल हो गया माधव, ये जानवर सामने खड़ा था, सामने मैंने उस पर 3 गोलियां चलाई, 1 नहीं लगी। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लड़के मैं लड़कों को देख रहा था। बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल मत करो और दरवाजा लॉक करके रखना। जी आप लोग ठीक तो है ना? ये आपके हाथ को क्या हुआ? नहीं, वो दरअसल मैं सब्जी काट रहा था, अचानक चीख पुकार सुनी तो घबरा के अपने हाथ काट बैठा। ठीक हो जाएगा, ये शुक्र है भगवान का कि तुम लोग ठीक हो। तुम दोनों ठीक हो ना?
करतार कहाँ है? करतार कहाँ है? हम उसे भेड़िया उठा कर ले गया है। क्या करतार को? वो भेड़िया हमारे सामने उसे उठा कर ले गया और हम कुछ नहीं कर सके। सिर्फ आपकी वजह से आपने हमें इस कमरे में बंद कर दिया। अगर हम खुले होता तो शायद उसकी मदद कर सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि करतार जैसे आदमी को भी ये भेड़िया खींच ले गया। सुनो, मैं करतार को ढूंढने जा रहा हूँ। बेचारा कहीं जख्मी पड़ा होगा। तुम दोनों यही रहो, मैं दरवाजा लॉक करके रखना। वो भेड़िया कितना बड़ा था। पूरे के पूरे करतार सिंह को उठा लिया उसने। पूरे करतार सिंह को उठा लिया। अगर मैंने वो मजाक नहीं किया होता तो शायद वो करतार सिंह लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। चल यार। अरे आप लोग, अच्छा किया। लड़कियां बहुत घबरा रही थी। मैं रसोई घर में चलता हूं, कहीं मेरी दाल ना जल जाए। गॉड, मैं पानी लाती हूँ। पीछे के दरवाजे से जाओ, उधर कोई खतरा नहीं है, सब बंद है। तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं गई थी वहां से बाहर जाके राइट में। ठीक है। भेड़िया देखा? क्या बात कर रही हो तुम? ये मानव भेड़िया, ये वेयरवुल्फ, ये सारी फिल्मी बातें होती हैं। इन्हें फिल्मों में ही रहने दिया कर। क्या देखा तुमने? एक शरीफ सीधा साधा बावर्ची भेड़िया बनकर। ओके, हम भी तुम्हारे भेड़िए को देखेंगे। चलें, उठो। नहीं, कम ऑन, हम लोग हैं ना साथ में, चलो। Come on, Anu. Come on. Madhav ji. Madhav ji.
क्या बात है साहब, सब ठीक तो है ना? देख लो तुम अच्छे से देख लो। लेकिन बात क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधव जी कोई बात नहीं है, आप अंदर जाके सोइए। वी आर वेरी सॉरी। अनु चलो, कम अनु, अनु चलो। मैं अगर आपको भेड़िया समझकर गोली चलाता तो इतनी चुपचाप से आने की क्या जरूरत थी? साहब एक बात बोलो। क्या? भेड़िया यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? साहब अगर मैं आपको देख सकता हूँ तो भेड़िया भी तो देख सकता है ना। सर करतार का कुछ पता चला? नहीं, खून के निशान मिले लेकिन उसकी लाश नहीं। ताजुब की बात है, जो भेड़िया कल तक उसके आसपास आते ही नहीं था उसी ने उसकी जान ली। ये भेड़िया मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक निकला। और सर कल अनु भी कह रही थी कि उसने कुछ किया। सर, 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 वो माधव सिंह की भेड़िया है सर। क्या? कुछ नहीं सर, एक्चुअली ये बहुत डरती है, इसने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा और उसे सच समझ रही है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर। कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है सर। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या देखा है। क्या देखा है तुमने? कल रात मैं किचन में गई और मैंने देखा। साहब नाश्ता कर लीजिए। क्या बात है, बेबी डर क्यों रही है? नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। क्या है कि अनु आपको वेयरवुल्फ समझ रही है। ये क्या होता है? मानव भेड़िया, वो जो कभी मानव के रूप में नजर आते तो कभी भेड़िए के रूप में। हाँ साहब, आप खामखा एक गरीब आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, ये तोहमत नहीं, ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अब इनकी बातों का बुरा ना मानिएगा प्लीज, बच्चे हैं। ठीक है साहब, अगर बेबी मेरे हाथ से चाय पी लेगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। लो बेबी। नहीं लो, लो ना। नहीं अनु लो ना। नहीं अनु, ये क्या पागल करना है, चाय लो ना। लो बेबी। माधव, कुछ और गांव वालों को बुला लाओ, मुझे शिकार के लिए और आदमी चाहिए। शिकार? कैसा शिकार? ये खास शिकार। दरवाजा खुला है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। बेबी तो खामखा नाराज हो गई। मैं आप सबके लिए ताजी चाय बनाकर लाया हूँ। वहां रख दीजिए।
क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, वो गर्मी की वजह से पसीना आ गया। कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ सब कुछ गड़बड़ है। कल सुबह बस आते यहां से निकल लो। तुम इधर क्या कर रहे हो यहाँ पे यार? दरवाजा खोल के तुम्हें पता है कितना डेंजरस है? वो भेड़िया कहीं से भी कभी भी आ सकता है यार। अंदर चल के दरवाजा बंद करो। घबरा मत, ये देख मेरे पास हथियार है। ये क्या? चाकू। ये कहाँ से मिला तुम्हें? किचन से। अरे माधव जी, अरे माधव जी, अरे माधव जी, क्या हुआ? अरे कोई दवाई है आपके पास? मेरे को लग गया खून निकल रहा है। अरे माधव जी, अरे माधव जी, माधव जी, ए तू किचन में जाकर हल्दी लगा, खून रुक जाएगा। जा। उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है उसमें। मैं उसे देख के आऊंगा। रोहित तुम कहीं नहीं जा रहे हो। देखो मुझे देखना होगा, उसमें कुछ गड़बड़ है। पागल मत बनो रोहित, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। सिंह को भी मार डाला, तीन गोलियां मारी उसे, तो नहीं मरा।
माधव। सुना सुना, वो माधव ही भेड़िया है। आज छोटी ही समय है मुझे। आप पागलों जैसी बातें कर रही हो। हाँ, तो पूछो और से। रोहित, उन्हें बताओ प्लीज। तू बता, तूने माधव सिंह को भेड़िया बनते हुए देखा? हाँ। लेकिन जिस कमरे में माधव सिंह गया था, थोड़ी देर बाद उसी कमरे से वो भेड़िया बाहर आया था। यार तुम भी कैसी बातें करते हो? ऐसा नहीं हो सकता कि वो भेड़िया माधव सिंह के कमरे में छुपा हो और उसने माधव सिंह को मार डाला हो और फिर निकला हो। माना भेड़िया वेरवुल्फ। बच्चों, खाना तैयार है, जल्दी चलो। क्या बात है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? देखो आज मांसाहारी बना है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। क्या कहा? भूख नहीं, लेकिन मैं तो बहुत भूखा हूं। हाँ देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर 10 मिनट में तुम नहीं आए ना, तो तुम्हें भूखा ही मरना पड़ेगा। मेरा मतलब है भूखा ही रहना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत? क्या हिम्मत? एक मामूली सी लोमड़ी को तो मार नहीं सकता है, और भेड़े मारने की बात करता है। तो ठीक है, बैग यहां और मर, और अपनी मौत का इंतजार कर यहां बैठे बैठे। से इस कमरे में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जरा सोचो, वो भेड़िया करतार सिंह के आसपास भी नहीं भटकता था, फिर क्यों? क्यों उसने उसे कल रात ही घुमाया? करतार सिंह जब कल पहली बार हमारे पास आया था, उसके हाथ में एक लकड़ी थी, नोक वाली। और जब वो दूसरी बार आया, तब उसके हाथ में वो लकड़ी नहीं थी, और तभी उस भेड़िए ने उस पर हमला किया। लकड़ी? वो लकड़ी से डरता है? वो मेरी पेंसिल से डर गया था। इसका मतलब वो भेड़िया करतार सिंह के भाले से मर सकता था। वाला, कल जब उस भेड़िया ने करतार सिंह को मारा था, तो भाला यही पड़ा हुआ था।
पिताजी बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो क्या आप लोग उसे मार डालते? मुझे तो फक्र है कि मुझे आप जैसे बहादुर जवानों का साथ मिला और हमने मिलकर उस भेड़िया का अंत कर। चलेंगे आप देहरादून हमारे साथ? मेरा तो ये जंगल ही घर। अच्छा थैंक यू। चलो भैया।